कार्तिक महामहत्तम अध्याय 13। हरे कृष्णा राधे राधे। कल कार्तिक महामहत्तम के अध्याय 12 में दीपदान के महत्व की, राजा जयध्वज और एक चुहिया की बहुत सुंदर और पावन कथा सुनी थी। अब आज इस अध्याय 13 में हम कार्तिक महा और एकादशी व्रत के महत्व को जानेंगे। क्यों कार्तिक इतना पुण्यदायी है, क्यों एकादशी भगवान को इतनी प्रिय है, पूरी जानकारी लेंगे। शुरू करते हैं, कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए। 13वां अध्याय सुनो, शिव प्रभु शरण में आए। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा, हे मुने, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है। कहने लगे, हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है, वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा ने श्री कृष्ण से किया था, और जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को दिया था, वही मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है, फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है। आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं, इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम का एक दैत्य था। वह राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं और लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं, यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। देवऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंच गया। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नियत जानकर बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में प्रवेश किया। राक्षस शंखासुर भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में पहुंचा, लेकिन ना तो उसे वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप दीप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूं, आप अपना अभिष्ट वरदान मांगे, मैं अवश्य ही प्रदान करूंगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेगा, उन्हें तुम्हारे ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद अर्ध आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी।
शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभिलाय देता हूं। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करूंगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूं। तुम सब देवता भी मनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चित ही अक्षय फल पाते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मुझे बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता, इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महत्तम और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। नारद जी बोले। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उस मछली को कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डलवा दिया। जब वह तालाब में भी ना रह सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूप भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। बद्री नारायण में आकर उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया। मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूं। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीज मंत्रों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। ऋषियों ने वेदों को 6 अंगों, छंद, व्याकरण, कोश, वैधक, ज्योतिष, स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में से ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। तदांतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया। हे देवादि देव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और भ्रम घाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला हो। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान भ्रम क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे। इस स्थान पर गंगा जी और सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करोगे।
आज से यह तीरथ तीरथ राज के नाम से विख्यात होगा। तीरथ राज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यहां पर किया हुआ जप तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीरथ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहां लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनकी पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहां आकर स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीरथ नाश करेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूं। सैकड़ों वर्षों तक किसी भी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहां एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे इस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेगा, वह जीवन मुक्त हो जाएगा और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतध्यान हो गए और देवता गण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्रीहरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग कर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक कहते और सुनते हैं, वह श्री प्रयागराज व बद्रिक आश्रम जाने व स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। इसके बाद सुमजी कहने लगे, अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष के देने वाले एकादशी के व्रत का महत्तम सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की अन्न ही खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान सबकी रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीरथ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न ना खाने के समान तप नहीं तथा शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं। एकादशी व्रत करने वाला प्रातः समय उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने, एकादशी की रात्रि को जागरण करे। नारद जी कहने लगे, हे राजन, अब एक प्राचीन इतिहास सुनो। नर्मदा नदी के तट पर गलाव ऋषि का अति सुंदर आश्रम था। ऋषि गालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु जी का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करे तथा एकादशी का व्रत रखे। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसे ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गलप ऋषि ने उससे पूछा, भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया है? यह सुनकर भद्रशील कहने लगा, पिताजी, आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूं। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्र वंश में हुआ था। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु दैववश मैं बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्म शास्त्रों के कथनानुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां हम पूरा दिन भूखे प्यासे ही रहे, खाने को कुछ नहीं मिलता। घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा।
मगर प्रातः होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि ये बहुत बड़ा पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था, उसी से इसके प्राण निकल गए, इसके कारण इसके समस्त पाप खत्म हो गए। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले, क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमकाकर कहने लगे, जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता है उसको कभी हमारे पास मत लाओ। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो तब भी उसके सब पाप खत्म हो जाते हैं और उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णुलोक भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक तथा विष्णुलोक में रहने के पश्चात अब मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। हे पिताजी, मुझे अपने पिछले जन्म का स्मरण है, इसलिए मुझे पता है कि भगवान विष्णु की पूजा पाठ सेवा एकादशी व्रत ही हमें मोक्ष दे सकता है। अपने पुत्र के पिछले जन्म की कथा सुनकर ऋषि गालब भी नतमस्तक हो गए। इसके बाद नारद मुनि बोले, जो कोई इस पावन कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक महा महत्तम अध्याय 13 समाप्त। कल कार्तिक महा महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। तब तक नाम जाप करते रहो और याद रखो, कलयुग केवल नाम अधारा। एकादशी व्रत व्रतराज है, सभी इसका व्रत जरूर करो और हर समय प्रेम से, मन से, भाव से अपनी हर एक सांस के साथ बोलते रहो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।